हम लड्डू गोपाल जी को भी ना थोड़े से झूले दे रहे हैं हमारी गाड़ी पे। कंप्लीट राजस्थान यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आप हमारे साथ लगातार संपूर्ण राजस्थान की यात्रा कर रहे हैं। ये पार्ट नंबर 3 है। पिछले वाले वीडियो के अंदर हमने आपको क्या दिखाया था, गग्गर नदी। और इस वक्त वैसे हम हैं उत्तरी राजस्थान को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। उत्तरी राजस्थान का जिला है हनुमानगढ़। और इस समय हम कहाँ पे खड़े हैं, इस समय फिर से हमारे बीच में आ चुकी है गग्गर नदी। अभी हम गग्गर नदी को यहाँ से क्रॉस करने वाले हैं। लेकिन ये जो नज़ारा है ऊपर से कैसे दिखता है वो आप देखिए। अगर यहाँ पे आसपास में एग्जैक्ट जो गांव है उसकी बात करूँ तो इधर हम 4 KSP से होते हुए आए हैं। और हम आज की वीडियो में आपको दिखाने क्या वाले हैं वो अभी नहीं बताएंगे, वो आप आगे चलते रहिए और आप आगे देखते रहिए वीडियो के अंदर, एंड तक बने रहिए। और ऐसे ही हमारे साथ ना संपूर्ण राजस्थान घूम लेना, हम आपको घर बैठे कंप्लीट राजस्थान दिखा देंगे। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ मछली, देखो गग्गर नदी के अंदर यहाँ पर मछलियाँ आपको दिखाता हूँ मैं। ये जो पानी है ना इसे गौर से देख लो आप, यहाँ पर मछलियाँ हैं, ये देखो यहाँ पे हैं। और ऐसा जो हरा हरा मैदान, मतलब गग्गर नदी का जो मैदान है यहाँ पे ना, सार्स भी बहुत सारे रहते हैं। ये देखिए बहुत ही मस्त तरीके से बैठे हैं। आज तो वैसे गर्मी का मौसम, आज सूरज और टाइम क्या हुआ है, 9 बज चुके हैं। वाह क्या है यहाँ, मतलब दूब है और देखो पगडंडियाँ, पशुओं ने छोटी छोटी पगडंडियाँ बना रखी है। अगर एग्जैक्ट इस लोकेशन की बात करें तो ऐसे लगता है पता नहीं हम हिमाचल में हैं या फिर किसी और स्टेट के अंदर हम हैं, लेकिन ये हमारा राजस्थान है। मौसम के तो आज क्या ही कहने, बड़ा ही मस्त मौसम हो चुका है। और अभी हम बढ़ रहे हैं हनुमानगढ़ की तरफ, मतलब हनुमानगढ़ ज़िले में तो हैं हम लेकिन जो हनुमानगढ़ शहर है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और आज आपको पूरा हनुमानगढ़ शहर दिखाएंगे, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी है। हमें अभी हनुमानगढ़ जाना है और हनुमानगढ़ से पहले गांव है कोल्ला। और कोल्ला ना वैसे यहाँ पे फैक्ट्रियाँ वगैरह बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे हैं बजरंग बली का इतना बड़ा स्टैचू, आपको पास से चल के दिखाते हैं। सबसे पहले ये मेरा हाथ है और ये हनुमान जी का नाखून। और ये जो स्टैचू हनुमान जी का है ये 51 फुट ऊंचा है। ये देखो हनुमान जी की गदा, कितनी बड़ी गदा है ये, केवल हनुमान जी ही उठा सकते हैं इसको। ये हनुमान जी का जो मुख है ना वो दक्षिण दिशा की तरफ है, इसलिए इनको दक्षिणमुखी बालाजी बोला जाता है। और यहाँ पे पास में ना ये जो आपको रोड दिखाई दे रही है ये है भारतमाला।
तो सबसे पहले हम पहुंच चुके हैं सेंट्रल पार्क। ये है सेंट्रल पार्क का बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट। अब मेरे पास आओ, मैं आपको दिखाता हूँ पूरा का पूरा सेंट्रल पार्क। यहाँ से दिखता है पूरा का पूरा सेंट्रल पार्क। पहले सेंट्रल पार्क में कुछ नहीं था, यहाँ पे कारें वगैरह रुकती थी, लेकिन वर्तमान के अंदर अच्छा बना दिया है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सेंट्रल पार्क रात में कैसा दिखता है। ये देखो, ऐसा दिखता है ये सेंट्रल पार्क नाइट के अंदर। यहाँ पे आके फूल तोड़ोगे तो देख लो। बाकी सेंट्रल पार्क का जो टाइम है ना, वो मैंने उस गेट के ऊपर आपको दिखाई दिया था। बाकी यहाँ पे डस्टबिन देखो कितना मस्त है। ये खरगोश, अरे खरगोश वीडियो को लाइक कर देना मेरी, ठीक है। सेंट्रल पार्क में हम विजिट करके आ चुके हैं और अभी हम जाएंगे गुरुघर के अंदर। देखो, इसी वीडियो की स्टार्टिंग में हम कहाँ थे, हम बिल्कुल सुनसान, मतलब बिल्कुल खेतों के अंदर थे, जहाँ पे बिल्कुल ही चहल पहल नहीं थी। लेकिन यहाँ पे देखो, हर तरफ टी टी पी पी हर तरफ। अभी हम जिस गुरुघर के अंदर पहुँची हैं, उस गुरुघर का नाम है गुरुद्वारा साहिब बाबा सुखा सिंह जी और बाबा मेहताब सिंह जी। अब इस गुरुघर की बिना एक अलग स्टोरी है। एक मुगल जालिम का सर कलम करके यहाँ से गुजरे थे, तब यहाँ पे उन्होंने विश्राम किया था और उन्हीं के कारण यहाँ पे ये गुरुघर बनाया गया है। ये यहाँ का पवित्र सरोवर है और इसमें ये देखो क्या मछलियाँ, वो देखो ऑरेंज कलर वाली। पानी सुनो कर रहे हैं, पानी सुनो कर रहे हैं। देखो एक, ये देखो ये ब्लैक, ये यूनिक है। यहाँ पे कहाँ गई ये। और इसके बाद में हम जा रहे हैं अभी शिला माता। देखो आज गुरुवार है और गुरुवार के दिन यहाँ पे मेला लगा हुआ है। और शिला माता की भी ना एक अलग स्टोरी है, मतलब गग्गर नदी के अंदर एक शिला आई थी। यहाँ पे वैसे वीडियो बनाना तो मना है, लेकिन इस शिला के कारण यहाँ पे लोगों को चमत्कार हुए और जो त्वचा संबंधी रोग है ना, वो इस शिला को धोने से मिट जाते हैं। ये यहाँ की मान्यता है। अब बहुत सारे भक्तों के त्वचा रोग समाप्त हो रहे हैं, इसीलिए तो भक्त यहाँ पे आ रहे हैं। चलो अब हम चलते हैं बटनेर दुर्ग। ये देखो बाहर से कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। राजस्थान का सबसे पुराना किला कौन सा है, नहीं बताना। ये है बटनेर दुर्ग, ये राजस्थान का सबसे पुराना किला है। यहाँ पे इसका मेन गेट है, लेकिन अफसोस अभी यह किला बिल्कुल बंद पड़ा है। इसके अंदर कोई भी नहीं जा सकता है, प्रवेश इसका वर्जित है। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। वैसे अभी तो इस दुर्ग के अंदर जाना मना है। क्यों मना है? क्योंकि यहाँ पे ना कुछ दिन पहले निर्माण कार्य चल रहा था, मतलब इतना पुराना ये दुर्ग है, इसका विनिर्माण कर रहे हैं। तो एक दीवार ढह गई, दीवार ढहने से दो लोगों की मृत्यु हो गई, जिसके कारण इस दुर्ग को अभी बंद कर दिया गया। मतलब देखो, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है और इसके अंदर प्रवेश वर्जित है, मतलब कोई भी पर्यटक यहाँ पे आ नहीं सकता। और अगर आ सकता है तो इसको अंदर से नहीं देख सकता, लेकिन आप इसे अंदर से देख सकते हो, क्योंकि हमने एक वीडियो बनाया है पहले का, जो कि लगभग एक साल पहले का वीडियो है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा, वहां जाके आप इस किले को अंदर से भी भ्रमण कर सकते हो। एक और जानकारी है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हनुमानगढ़ जो है ना, वो दो हैं, एक तो हनुमानगढ़ टाउन और एक हनुमानगढ़ जंक्शन। अब ये दोनों दो क्यों हैं? क्योंकि इनके बीच से गुजरती है घग्गर नदी, जो कि इनको दो हिस्सों में बांट देती है। लगभग इनके बीच में 5 किलोमीटर का फासला है।
ऐसा है हनुमानगढ़ जंक्शन का रेलवे स्टेशन, उन्होंने सोचा थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं ये भी। हनुमानगढ़ जंक्शन से निकलने के बाद में हम यहाँ पे रुके हैं, और इस जगह पे इसलिए रुके हैं क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा आगे जाने के बाद में हनुमानगढ़ जिले से हम निकल जाएंगे और हम प्रवेश करेंगे गंगानगर जिले में। संपूर्ण राजस्थान का नंबर 3 पार्ट हम यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कॉमेंट कर देना कि आप कौन से ज़िले से हो, ताकि जब हम आपके ज़िले में आए तो हम आपसे भी थोड़ी सी बातचीत कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम साहब।